चंदन, प्रणव जप और गायत्री दान, न्यायतः धनोपार्जन किस प्रकार से हमें करना चाहिए, हमें सदाचार का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, हमें स्नान नित्य क्रिया किस प्रकार से करनी चाहिए, हमें भस्म धारण किस प्रकार से करना चाहिए, हमें रुद्राक्ष धारण किस प्रकार से करना चाहिए, हमें जप किस विधि से करना चाहिए, हे ऋषि हमें आप कृपा करके बताइए। श्री सूत उवाच, सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचार युतो विप्रो वेतैरैकैकवद्विजा। देखो पहले तो ब्राह्मण देवता को समझना चाहिए, जो सदाचार का पालन करने वाला धर्म परायण विद्वान ब्राह्मण वास्तव में है तो उसे ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। जो नियम धर्म का पालन करने वाला है, सदाचार से रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और जो केवल वेदोक्त आचरण करता है, वेद विधि से चलता है और वेद विधि से अपना जीव को पार्जन करता है, अपने बाल परिवार का भरण पोषण करता है, उसे फिर ब्राह्मण नहीं कहा जाता, उसे विप्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विप्र कहा जाता है। पहले जो सदाचार का पालन करता है, नियम पूर्वक रहता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो वेदोक्त विधि से अपने नियम का पालन करता है और वेदोक्त विधि से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे विप्र कहते हैं, उसे विप्र की संज्ञा दी गई है। और जो सदाचार वेदाचार तथा विद्या से निपुण है और उसी के विधि से अपने जीवन का उपार्जन किया करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे द्विज कहते हैं। पहले को ब्राह्मण, दूसरे को विप्र और तीसरे को द्विज, तीसरे को द्विज कहते हैं। तथा जो पुरोहित कर्म, पुरोहित कर्म करता है और पढ़ा लिखा तो नहीं है, नियम धर्म पालन नहीं जानता, कम पढ़ा लिखा है लेकिन किसी राजा का पुरोहित हो गया है, जरा कान खोल के सुनना, पढ़ा लिखा कम है लेकिन किसी विधि विधान व्यवस्था से वह किसी राजा का पुरोहित हो गया है, अगर किसी राजा का वह पुरोहित हो गया तो वह ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वह क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। यह शास्त्र विधि मुसृज वर्तते कामकारतः न स सिद्धिन्वान प्रोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधियों को छोड़ करके कोई भी काम किया करता है तो न स सिद्धिन्वान प्रोति न सुखम न पराम गतिम, न उसे सिद्धि मिलती है, न उसे सुख मिलता है और न मरने के बाद उसे परम गति प्राप्त होती है। इसीलिए शास्त्र विधि को छोड़ करके कोई काम नहीं करना चाहिए।